नमस्कार उत्तराखंड दिनभर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम राणा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चंपावत के टनकपुर स्थित शारदा घाट में आज सीएम धामी ने पूजा अर्चना कर मां शारदा का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने टनकपुर और मनिहार गोट में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि शारदा मां के आशीर्वाद से मुझे चंपावत की देवतुल्य जनता की सेवा का सौभाग्य मिला है। पिथौरागढ़ जिले के हवाई अड्डे का जल्द से जल्द संचालन हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। बीते दिन पिथौरागढ़ के दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत की। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कल जिले में कुल 47 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि 2014 के बाद से जनहित और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाएं लाई जा रही हैं। योजनाएं 2014 के बाद ऐसी योजनाएं बननी प्रारंभ हुई जो केवल और केवल गरीब और समाज के अंतिम छोर में खड़े उनको लाभ पहुंचे, उसके लिए हम प्रतिसंकल्पित हैं। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर हमला बोला है। करण महारा का कहना है कि बीजेपी चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के चुनावी कार्यालयों को बंद करवा रही है, जिसे पता चलता है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी की घबराहट साफ दिखाई देती है। कांग्रेस के चुनावी कार्यालयों को बंद करना इस बात का सबूत है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल इस चुनाव में कर रही है, धन बल का प्रयोग कर रही है। झंडों की अगर खाली कोई काउंटिंग कर ले, कोई समझदार पत्रकार हो और ईमानदार हो, अगर केवल चंपावत जिले के और चंपावत विधानसभा की सीट के झंडों को गिन ले तो कम से कम 3 से 4 करोड़ के झंडे निकलेंगे। चार धाम यात्रा में अब तक 10 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 3.35 लाख श्रद्धालु तो बद्रीनाथ धाम में 3.33 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में गंगोत्री में 2 लाख, यमुनोत्री में 1.49 लाख और हेमकुंड साहिब में 7,338 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री मार्ग पर यात्रियों की आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही है। इस पर DIG गढ़वाल करण सिंह नग्याल का कहना है कि जानकी चट्टी मार्ग में बार बार रास्ता बंद होने से समस्या आ रही है, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। मौसम खुल गया है तो लिहाजा चारों धामों में यात्रा आरंभ हो गई है। थोड़ी सी दिक्कत हमारे अभी राणा सट्टी में है, वहाँ सड़क धस रहा है बार बार और पुलिस को निरंतर 24 घंटे वहाँ उपस्थित रहकर यातायात को व्यवस्थित करना पड़ रहा है। एक बड़ा चुनौती है, यदि इसकी मरम्मत जल्दी हो जाता है तो फिर यातायात सुचारू हो जाएगा। उत्तराखंड पुलिस कानून और यातायात व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए ड्रोन सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। ड्रोन के जरिए ऋषिकेश और उसके आसपास के क्षेत्रों की ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ट्रायल किया जा रहा है, जहां ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इंजीनियरों की 4 सदस्यीय टीम को हायर किया गया है, ताकि ड्रोन के माध्यम से पुलिस अधिकारी यातायात व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर सके। हमारे ऋषिकेश में जो ट्रैफिक संबंधी जो समस्याएं हैं उसको निराकरण के लिए एक ड्रोन टीम उच्च अधिकारियों द्वारा ऋषिकेश में भेजी गई है। ये विगत कुछ दिनों से काम कर रही है, इनका मुख्य काम ट्रैफिक को मैनेज करना है। चमोली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बहुउद्देश्य विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। शिविर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि शिविर में विधिक जागरूकता के साथ साथ सरकार की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। देहरादून के परेड ग्राउंड में 29 तारीख को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए BSF जवान अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है। अभ्यास सत्र में जवान हैरत अंगेज कारनामे कर रही हैं, जिसके लिए जानबाज मोटरसाइकिल टीम मध्य प्रदेश से लाई गई। SIT और शिक्षा विभाग की जांच में BEd की डिग्री फर्जी पाए जाने के बाद देहरादून के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कामला में तैनात सहायक अध्यापक खिलेश लाल की सेवा समाप्त कर दी गई है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने ये आदेश जारी किया है। इससे पहले शिक्षक को बीते साल नवम्बर महीने में सस्पेंड किया गया था। हमारे शिक्षक हैं जो कि हाई स्कूल कामला देहरादून में कार्यरत हैं, उनके खिलाफ SIT की जांच और विभागीय जांच की गई और SIT और विभागीय जांच में जिस विश्वविद्यालय से खिलेश लाल ने अपना BEd का प्रमाण पत्र होना बताया था उस विश्वविद्यालय से स्पष्ट आ गया है कि इस विश्वविद्यालय से इनको ये प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र स्थित भगत कॉलोनी में रहने वाले पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात हेम राजेंद्र बहुगुणा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि पुलिस मौजूदगी में टैंक पर चढ़कर उन्होंने आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।